अब आपको लेकर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। वहां एक ऐसा गुरुकुल है जो अपनी पुरानी परंपराओं को आज भी संजोए हुए है। पूर्वी कॉमेंग जिले में बने इस गुरुकुल में 90 छात्र पढ़ते हैं, जिन्हें वहां की भाषा में पढ़ाया जाता है। ये सभी छात्र हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं, साथ ही उन्हें वहां की भाषा और परंपराओं का भी ज्ञान दिया जाता है। आपको बता दें कि राज्य की पुरानी परंपराओं को संजोने वाले इस स्कूल को राज्य सरकार की मदद से बनाया गया है, लेकिन अब इस स्कूल को लोगों से मिलने वाले डोनेशन से चलाया जाता है। इस स्कूल का उद्घाटन मार्च 2021 में वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया था, और इस स्कूल के जरिए दरअसल कोशिश ये हो रही है कि जो अरुणाचल प्रदेश की लोक संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, जो स्थानीय भाषा है, उसको संजो कर रखा जाए, आने वाली पीढ़ियों तक उसे पहुंचाया जाए। और इसी मकसद के तहत इस गुरुकुल को चलाया जा रहा है। आपको बताएं कि फिलहाल यहां पर 100 से 150 छात्र के प्रवास का प्रबंध है, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने वाली है। हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सेपा में हैं, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और आप देख सकते हैं ये एक गुरुकुल की तरह ये एक विद्यालय है। यहाँ के बच्चे ट्रेडिशनल जो हेयर स्टाइल है निशी समाज में, इस हेयर को यहाँ पे जो डाला जाता था, ये पहले जमाने से, पूर्वजों से ये चलते आ रहा है। आप देख सकते हैं 90 से ज़्यादा यहाँ बच्चे गुरुकुल की तरह यहाँ ये पढ़ाई करते हैं, और सेपा जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, उससे भी ऊपर जाके ये एक गुरुकुल की तरह एक विद्यालय है। झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस पर रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा भवन को सजाया गया, साथ ही वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो सबसे पहले पूजा और हवन किया गया, इसके बाद लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें कई विधायक लोक धुनों पर थिरकते भी दिखे। इस कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास भी शामिल हुए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना शानदार ये समारोह था, 22वीं वर्षगांठ, और इस मौके पर वहां लोक नृत्य का आयोजन किया गया। जो आदिवासी कलाकार हैं, उन्होंने अपनी कला का वहां पर प्रदर्शन किया। कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद थे और सबका ध्यान खींचा वहां मौजूद प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने, जिन्होंने अपनी बातों से, अपनी कविताओं से वहां पर समा बांध दिया। कर्नाटक के हुबली में सिद्धारूढ़ स्वामी मठ में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दीप जलाए। खास बात यह है कि इसके लिए सिर्फ मिट्टी के दीयों का ही इस्तेमाल किया गया। इस दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचे। मठ में जब हजारों दीपक जले तो वो पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। इस मौके पर मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोग इस यहाँ पर मौजूद थे तो कितना भव्य ये नजारा रहा होगा, कितना अलौकिक ये नजारा रहा होगा। हजारों की संख्या में वहां पर दीपक जलाए गए। इस दीपोत्सव में हर जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने शिरकत की, और इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए, इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। दूर दूर से श्रद्धालु आए थे। शानदार लाइटिंग यहां पर की गई, और न केवल जमीन पर दीपक जलाए गए बल्कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीकों से इस दीपोत्सव को मनाया गया। यहाँ पे अभी जो भीड़ जमी है वो कार्तिक उत्सव बनाने के लिए जमी है, दीपोत्सव बनाने के लिए। हर साल की तरह इस साल भी मठ की तरफ से भक्तों के लिए लक्ष्य दीपोत्सव का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साल भर साल हम देख रहे हैं कि साल भर साल भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे व्यवस्था भी हम उस प्रकार मठ में किया जा रहा है। तो ये कार्तिक उत्सव अमावस के दिन हम लोग मनाया जाता है, और इसका उद्घाटन हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं, जिन्होंने अभी आज आके उद्घाटन करके चले गए। तो उनके अनुदान से हम लोग ये मठ चलता है। यहाँ पे जो भीड़ आती है वो अपने यहाँ से एक दिया तेल लगा के दिया जला के जाते हैं, ताकि अंधकार को दूर हो और उजाला प्रतिष्ठित हो,